पिछले क्लास में हम आपको समझाए थे दो छोटा छोटा पॉइंट, इसको इधर समझ लेते हैं। एक क्या बोले थे बाबू, ऑब्जर्वर, और दूसरा हम बोले थे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोले थे, जरा ध्यान से समझिए क्या था ये। जो पर्सन ऑब्जेक्ट के मोशन को देखने का काम करता है, जो भी पर्सन ऑब्जेक्ट के मोशन को देखने का काम करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर बोलते हैं। ध्यान दीजिए बालक, अगर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसको देखने वाला कोई ना कोई चाहिए। जो ऑब्जेक्ट के मोशन को देखने का काम करता है, उस पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर बोलते हैं। और ये ऑब्जर्वर जिस जगह से, ये ऑब्जर्वर जिस जगह से ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व करेगा, वो जगह क्या कहलाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। वो जगह क्या कहलाएगा बाबू, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई दिक्कत? तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि ऑब्जर्वर क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, बहुत आसान ढंग से उसको जवाब देना है कि जो ऑब्जेक्ट के मोशन को देखने का काम करेगा वो कहलाएगा ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर जहां से मोशन को ऑब्जर्व करेगा वो कहलाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई दिक्कत? अब हमको डिटेल में थोड़ा समझना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, यही ना टॉपिक है आज का। चलिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझने से पहले बालक एक छोटा सा टर्म हम आपको और समझाना चाहते हैं, जो आप नाइन्थ क्लास में पढ़े हुए होंगे। जैसे देखिए, क्या ध्यान दीजिएगा, अगर कोई कहता है कि कोई पार्टिकल रेस्ट में है, क्या कह रहे हैं बाबू, कोई पार्टिकल रेस्ट में है, तो बताओ तो कि इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा, इस पार्टिकल का त्वरण कितना होगा, तो एक्सेलरेशन कितना बाबू, जीरो। कोई दिक्कत? अगर कोई कहता है कि कोई पार्टिकल है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्या बाबू, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, नियत वेग से मूव कर रहा है, तो बताओ उस स्थिति में भी एक्सेलरेशन कितना, जीरो। अगर हम कह रहे हैं कि पार्टिकल रेस्ट में है तो भी एक्सेलरेशन जीरो, और अगर हम कह रहे हैं कि पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो भी एक्सेलरेशन जीरो। कोई दिक्कत? लेकिन सोच के बताओ कि अगर पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है, अगर पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है तो इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा या इसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा। तो जरा ध्यान दीजिए, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा बाबू, नॉन जीरो होगा। क्यों? अगर आपसे कोई पूछता है, दो तरह से जवाब दे सकते हैं। पहला जवाब तो यह होगा कि जब भी कोई पार्टिकल गोल गोल घूमता है तो उसके पास एक एक्सेलरेशन होता है, जिस एक्सेलरेशन का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नाम क्या है बाबू, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नाम क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और दूसरा रीजन आप और दे सकते हैं, सपोज करो कि आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में अभी नहीं जानते हैं, तो दूसरा भी रीजन दिया जा सकता है। वो रीजन क्या है बालक, ध्यान से सुनो, जब पार्टिकल गोल गोल घूमेगा, जब पार्टिकल गोल गोल घूमेगा तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ और होगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ और होगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ और होगा। इसका मतलब है कि जब पार्टिकल गोल गोल घूमता है तो इच एंड एवरी पॉइंट पर पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है। और अगर पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि पार्टिकल के पास जरूर कोई ना कोई एक्सेलरेशन है। कोई दिक्कत? दैट मींस अगर पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है, आपसे कोई पूछ लेता है कि उसके पास एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा, आप क्या बोलेंगे, उसके पास एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। कोई दिक्कत? एक बात बताओ बालक, अगर आपसे कोई कहता है कि कोई बॉडी
कोई बॉडी रोटेट कर रहा है, कोई बॉडी क्या कर रहा है बाबू, रोटेट कर रहा है। रोटेट करने का सेंस होता है बालक ये, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है, जैसे ये बॉडी है, ये बॉडी क्या कर रहा है बाबू, रोटेट कर रहा है, कोई दिक्कत? अगर बॉडी रोटेट कर रहा है तो किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। कौन सा एक्सिस है उसको आप छोड़िए, अभी अभी हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि बॉडी रोटेट कर रहा है। अगर बॉडी रोटेट करेगा तो सोच कि उसके पास एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा, उसके पास भी एक्सेलरेशन होगा, कोई दिक्कत? दैट मींस अगर बॉडी, ध्यान दीजिए अब जरा, अगर बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो भी एक्सेलरेशन नॉन जीरो, और अगर बॉडी रोटेट कर रहा है तब भी एक्सेलरेशन नॉन जीरो, कोई दिक्कत? फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, किसको बालक? फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कितने पार्ट में बाबू? दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक को कहा गया वैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके पास एक्सेलरेशन क्या हो? जीरो हो। और एक को कहा गया वैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके पास एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो। जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पास एक्सेलरेशन जीरो होता है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं बाबू? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जिसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कोई दिक्कत? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। आपसे अगर कोई कहता है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं, आप सीधा बोलेंगे वैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका एक्सेलरेशन क्या हो? जीरो हो। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? वैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो, जिसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो, कोई दिक्कत? एग्जाम हॉल में आप बैठे हुए हैं या आपसे ऐसे ही कोई पूछ रहा है कि एक ऑब्जर्वर है इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर के किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, और ये प्लेटफॉर्म खुद रेस्ट में है, बताओ ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व कर रहा है या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व कर रहा है? जवाब क्या होगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कोई दिक्कत? अगर हम कहें कि एक प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे ऑब्जर्वर खड़ा है और वो प्लेटफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बताओ ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे खड़ा है या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे खड़ा है? क्या बोलेंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कोई दिक्कत? लेकिन यही फ्रेम, यही प्लेटफॉर्म अगर गोल गोल घूमने लग जाए और उस पर बैठ करके या उस पर खड़ा होकर के ऑब्जर्वर मोशन को ऑब्जर्व करे, तब बताओ ये इनर्शियल फ्रेम बनेगा या नॉन इनर्शियल फ्रेम बनेगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम बनेगा, कोई दिक्कत? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई फ्रेम अगर रेस्ट में है तो बताओ वो इनर्शियल फ्रेम का एग्जांपल है या नॉन इनर्शियल का एग्जांपल है? नॉन इनर्शियल या इनर्शियल? इनर्शियल का। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इनर्शियल फ्रेम या नॉन इनर्शियल फ्रेम? इनर्शियल फ्रेम। अगर किसी फ्रेम का एक्सेलरेशन जीरो है, कही दिया क्वेश्चन में कि अगर किसी फ्रेम का एक्सेलरेशन जीरो है, बताओ इनर्शियल फ्रेम या नॉन इनर्शियल फ्रेम? इनर्शियल फ्रेम, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जैसे ही बर्ड कहे कि अगर कोई फ्रेम गोल गोल घूम रहा है तो कैसा? नॉन इनर्शियल। अगर रोटेट कर रहा है तो कैसा? नॉन इनर्शियल, कोई दिक्कत? अब एक छोटा सा लॉजिकल क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, सही सही बताने का कोशिश करेंगे। आपसे कोई कहा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड विथ द अर्थ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड विथ द अर्थ इनर्शियल नहीं हो सकता है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। क्या कह रहा है बालक क्वेश्चन, ध्यान से सुन। क्वेश्चन में यह नहीं पूछा गया है कि अर्थ के साथ जो अटैच्ड फ्रेम है वो इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है, क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन है
कि अर्थ के साथ अटैच्ड फ्रेम इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है? नॉन इनर्शियल है, उसके पीछे का काउज क्या है, कारण क्या है? बोल, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? सोच, जरा दिमाग लगाओ। हम कह रहे हैं, सुनिए ध्यान से, हम कह रहे हैं कि अर्थ के साथ जो अटैच्ड फ्रेम है, अर्थ के साथ जो अटैच्ड फ्रेम है वो नॉन इनर्शियल है। कैसे इसको एक्सप्लेन करना है? कौन बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है? कोई हाथ खड़ा करो। हाँ बोलो बच्चे। वेरी गुड, बैठ जाओ। दो रीजन है बालक। पहला रीजन तो ये सर कि अर्थ सन के चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है। जब अर्थ सन के चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है, इसका मतलब है कि वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और जब वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो अर्थ के साथ जो अटैच्ड फ्रेम है वो भी सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। और अभी तो आप बताए थे सर कि सर्कुलर मोशन करता हुआ फ्रेम इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल। कोई दिक्कत? बहुत आसान है। दूसरा रीजन क्या दे सकते हैं बाबू? तो अर्थ सर अपने एक्सिस पे खुद क्या होता है? रोटेट होता है, जिसके वजह से दिन रात होता है बालक। अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेट होता है। अब अगर उसके साथ जो अटैच्ड फ्रेम होगा वो भी रोटेट करेगा, और रोटेटिंग फ्रेम इनर्शियल होता है या नॉन इनर्शियल होता है? नॉन इनर्शियल होता है। कोई दिक्कत? तो आपसे देखिए क्या लिखा हुआ है आपकी सीट में, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है, ध्यान दीजिएगा, अभी हम पढ़ रहे हैं ठीक ना, आपको अंडरलाइन नहीं करना है ठीक। लिखा हुआ है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या लिखा है बाबू? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फर्स्ट, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एट रेस्ट। कोई दिक्कत? जो फ्रेम रेस्ट में होगा वो इनर्शियल फ्रेम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। दूसरा क्या लिखा हुआ है? ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा लिखा हुआ है ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुज एक्सेलरेशन इज जीरो। कोई दिक्कत? नॉन इनर्शियल फ्रेम में देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है ए फ्रेम विच इज मूविंग विथ सम एक्सेलरेशन, जिसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन हो, क्या बनेगा बाबू? नॉन इनर्शियल फ्रेम। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज रिवॉल्विंग। रिवॉल्विंग का मतलब क्या बालक? गोल गोल घूम रहा है, रिवॉल्विंग और परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, कैसा होगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम। कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज रोटेटिंग अबाउट ऑन इट्स ओन एक्सिस। रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा? इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल। नेक्स्ट लिखा हुआ है बालक ए रेफरेंस फ्रेम अटैच टू द अर्थ कैन नॉट बी एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज। कितना रीजन जानते हैं? दो रीजन जानते हैं। पहला रीजन लिखा हुआ है द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, और दूसरा रीजन लिखा हुआ है अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस।